सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक हो जाना यानी कि अलग हो जाना, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उत्तर इसका ग होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? क मोमबत्ती, ख किरोसिन, ग कोयला, घ मेथेन गैस। इसका उत्तर कोयला होगा। कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। प्रश्न है हमारे सामने, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे पास चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप याद रखेंगे, शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देख सकते हैं समीकरण 2Cu+O2 = 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर है ख, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है? याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड लवण है और जल जल है। जब भी लवण और जल बने तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर हमारा ख होगा। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? उत्तर हमारा ख नंबर है, टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं। ZnO+C + ZnO+CO कैसे है, क्यों है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम उस पर डिटेल बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? याद रखेंगे, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो। 94.45 उत्तर हमारा ख होगा, इसी में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, अतः उत्तर हमारा ख होगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? यहाँ पे टिक लगा हुआ है, O2 एक ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S उत्तर हमारा ग होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर हमारा घ होगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? हम जानते हैं, जिसमें प्रकाश भाग लेता है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पौधों के भोजन बनाने में प्रकाश मुख्य रूप से भाग ले रहा है, इसीलिए यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जब समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्याएं समान हो तो वह क्या समीकरण क्या कहलाता है? उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। याद रखेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं बाएं और दाएं बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? उत्तर हमारा ग है, रासायनिक समीकरण के रूप में। याद रखेंगे, इस प्रकार के ये 10th की रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप हमारे चैनल BNCC 1519 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तमाम तरह के कोर्स और वीडियोस हम आपको देंगे आपके बुक से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।